गरियाबंद में प्राथमिक स्कूलों में स्कूली छात्र छात्राओं से ही साफ सफाई, बागवानी और घास छीलने का काम कराया जा रहा है। यहां तक कि एक स्कूल में तो बोरिंग रिपेयरिंग भी छात्र ही करते दिखे। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही है, लेकिन इनके बीच ये देखिए, गरियाबंद जिले के मैनपुर और देवभोग ब्लॉक में स्कूलों की हालत क्या है। जुगाड़ गांव के स्कूल में साफ सफाई, घास छीलने, बागवानी करने, मिट्टी ढोने जैसे काम कर रहे हैं ये बच्चे जो यहां पढ़ने आते हैं। सफाई कर्मचारियों का यहां का अच्छा खासा बजट है, लेकिन पढ़ाई के लिए आने वाले इन छोटे छोटे बच्चों को यहां मजदूरी करनी पड़ती है। गोरापदर स्कूल में तो बच्चे बोरिंग की रिपेयरिंग करते दिख रहे हैं। बोरिंग खराब हो गया है, उसके कारण बना रहे हैं। बोरिंग खराब हो गया, उसके कारण बना रहे हैं। क्या कोई नहीं था उसके कारण, बोरिंग जाओ थोड़ा हेल्प करने के लिए। बोरिंग खराब तो बनाए, किसके साथ बनाए? क्या बोली थी? साथ। क्या चीज को? बंद बेटा को साफ करने के लिए। तो साफ कर रहे हो जी। क्या बोली थी? घास को तो कर रहे हो जी। इसको कौन बोला था तुम लोग को साफ करने के लिए? मैडम। कौन मैडम? जानकी। क्या बोली थी? इसको साफ करो। तो बच्चों की जुबानी आपने सुन लिया कि स्कूलों में इनसे काम कराया जाता है। 14 साल से कम के बच्चों से तो बाहर भी मजदूरी नहीं कराई जा सकती, लेकिन यहाँ 5-6 साल तक के बच्चे मेहनत के काम में लगा दिए गए हैं। अब सुनते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या कहना है। हमारे पास चपरासी है नहीं। हाँ। तो बच्चे लोग ही तो मिलकर के काम करते हैं भैया, और कौन करेगा। वाले तो कभी कभार करते हैं सहयोग, लेकिन अभी कहाँ इकट्ठे आकर के सहयोग करेंगे। निंडोरी जिले में प्राथमिक स्कूल के एक प्रधानाध्यापक को स्कूल के दो बच्चों से ऐसी चिढ़ हुई कि उसने दोनों को स्कूल से निकाल दिया और उनकी टीसी में उन्हें आचरणहीन लिख दिया। इनमें से एक की उम्र 8 साल और एक की 10 साल है। अब बच्चों का किसी दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे डिंडोरी के केवलारी गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र में इनकी जाति कोल की बजाय गोंड लिख दी गई। बच्चों के पिता ने प्रधानाध्यापक पीएस तिलगाम से ठीक करने को कहा तो प्रधानाध्यापक को गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ दोनों बच्चों का नाम स्कूल से ही काट दिया। हद तो तब हो गई जब उसने इन मासूम बच्चों के टीसी में आचरणहीन लिख दिया। कहाँ? कुटेला। वहाँ क्या बोले? ये टीसी में आचरणहीन लिखा है तो हमने लेते बाकी। जो करना है कर लो, ऐसे करके बच्चों का टीसी काट दिया। टीसी काटने के बाद वो टीसी में आचरणहीन लिख दिया। मैं बच्चों को दूसरे जगह भरते एडमिशन करवाने ले गए तो कुटेला, तो वहाँ बोलने लगा कि आचरणहीन लिखा है तो एडमिशन हम नहीं ले सकेंगे, ऐसे बोल रहे थे। स्कूल के दूसरे शिक्षक भी प्रधानाध्यापक टीएस तिलगाम की इस हरकत से हैरान है। खुद प्रधानाध्यापक टीएस तिलगाम के पास भी इन नन्हे बच्चों को आचरणहीन बताने का कोई ठोस तर्क नहीं है। समझा दिया हमने सर, मुझे हर दिन क्षमा भी मांगा, ड्यूटी गलत किया हूँ, हर बच्चे को भेज देता हूँ, फार्म में उसके बच्चे का साइन भी किया करवाया हूँ। ये पहला मामला है जिसमें इतनी कम उम्र के बच्चों को आचरणहीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया हो। मामले की शिकायत के बाद इसे कलेक्टर ने भी गंभीरता से लिया है। मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है। उसने आचरणहीन लिख दिया है तो उसकी हम जांच करेंगे और उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ये शब्द उसने कुछ बड़ा बच्चों ने गड़बड़ियां कर दी जिसके कारण लिखा गया है, या क्या कारण रहा है कि उसने ऐसा उसने अंकित कर दिया आचरणहीन शब्द। और अगर ये कोई पुख्ता वो अपना कारण नहीं दे पाता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अपनी तरफ से बच्चों का भविष्य खराब करने में कोई कसर न छोड़ने वाला प्रधानाध्यापक टीएस तिलगाम खुद शर्मिंदा दिखता है, लेकिन दोनों बच्चे और उनके परिजन अब भी परेशान हैं क्योंकि आचरणहीन की टीसी देखकर कोई भी स्कूल इनका दाखिला नहीं कर रहा है। समय के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।